तो स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे एमटीएस पेपर की, जो मतलब एनालिसिस बताएंगे। बेसिकली हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि हमें भी डर है बैन होने का। बाकी हमारे साथ सुमेश जी हैं, तो आपको ज्यादा बताएंगे मतलब क्वेश्चन आपको कैसे मतलब टैकल करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाय दोस्तों, काफी दिनों के बाद मैं आया हूँ मुकेश भाई के चैनल पे। तो आज मेरा एग्जाम था 6 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मैं वह बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बट डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं रीजनिंग से। जो रीजनिंग है मॉडरेट लेवल की आ रही है, तो अगर मैं कहूँ गुड अटेम्प्ट आपके अराउंड 22 हो सकते हैं, 22 to 23 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं उनको ट्राई करेंगे आप छोड़ दें। दूसरा है मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स क्या है, पिछले जो लास्ट ईयर एमटीएस हुआ था लास्ट टाइम, उसके कंपैरिजन में अभी जो लेवल है थोड़ा सा अप हुआ है और कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। मोस्टली मतलब एडवांस में सिर्फ मेंशुरेशन से आ रहे हैं क्वेश्चन, बाकी अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आ रहा और बाकी अर्थमेटिक आ रहा है। थर्ड है आपको इंग्लिश। इंग्लिश एज यूजल सारे जितने भी मतलब एसएससी का हुआ, सीएचएसएल का हुआ और इवन अभी एमटीएस जो हो रहा है, इसमें जो इंग्लिश है वो बहुत सिंपल आ रही है। आप 24 या 25 सारे चाहे तो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट जीके कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें पता है एसएससी के लिए। तो आप जीके थोड़ी सी मतलब गुड अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ तो 15 to 18 है, राइट। तो उतना अगर आप अटेम्प्ट करते हो अच्छे से तो अच्छा जाएगा पेपर। तो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग 85 से 90 के बीच में विद 95 एक्यूरेसी या फिर 95 एक्यूरेसी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इतना आप अटेम्प्ट करते हो तो आप श्योर जॉब ले जाएंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों हमारे जैसे भाई ने कहा है कि पेपर का लेवल वही है जो हमारे सीजीएल सीएचएसएल का है, बस आपको टाइम 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप स्कोर कर सकते हो। जो चीज़ होती है मैथ और रीजनिंग होती है वो स्कोरेबल होती है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। 30 मिनट बहुत होता है हमारे लाइफ में, बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको टाइम का क्रंच इसमें नहीं मतलब लगेगा, अगर कैलकुलेटिव है तो उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा है। आप आराम से करेंगे ना पेपर, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आराम से आपका ना 5 या 10 मिनट पहले पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगर हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो शायद ऐसा रहे कि आप पेपर आपके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, ठीक। तो आराम से करना है, अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उनको छोड़ देना है पहले गो में। सेकंड टाइम ट्राई करना है, सेकंड टाइम भी नहीं होता थर्ड टाइम ट्राई करिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर तो छोड़ना ही है, बट आपको एक